Hello students, we are reading the chapter Super Senses. Earlier we have read about the eyes of the different animals, and there are several activities which I told you to discuss and share with your parents and your brother and sisters. I hope you all were performed it very well. Now we are continuing the chapter Sharp Air. In class 4th you read that we cannot easily see birds air. Class 4th mein humne padha tha ki hum aasani se jo birds hote hain unke एयर्स को देख नहीं पाते हैं. देयर एयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फीदर्स. उनके जो कान होते हैं वो छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पंखों से ढके हुए होते हैं. राइट. द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन. 10 उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके हम कान को हम देख सकते हैं. द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स. और उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान हमारे कान से बड़े होते हैं. थिंक. इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ द एनिमल, साइज ऑफ द एनिमल्स एयर एंड देयर हियरिंग. तो क्या जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनकी सुनने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, या जिनके छोटे होते जिनके कान छोटे होते उनकी सुनने की क्षमता भी कम होती है, ऐसा कुछ रिलेशन है क्या? चलिए देखते हैं इसको. ट्राई दिस. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. अपने स्कूल्स या होम में, अपने घर में बिल्कुल शांत जगह ढूंढिए. टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू स्टे समथिंग सॉफ्टली. अपने भाई बहन को या किसी को बोलिए कि आपसे थोड़ी दूर खड़ा हो जाए. एंड आस्क हिम टू स्टे एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली. और उससे बोलिए कि बिल्कुल धीरे से कुछ बोले. द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. और आपको उसको केयरफुली सुनना है. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स. और अपने दोनों हाथ आपको कान के पीछे रखने हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है. Let's the same child say something again as softly as before. अब फिर से वो जितनी धीरे से उसने पहले बोला था वो फिर से उतनी ही धीरे से बोलेगा. In which case was the sound sharper? अब उसने जब थोड़ा पहले धीरे बोला फिर उससे थोड़ा सा उसने उसको साउंड को थोड़ा सा हाई किया. अब दोनों में क्या करना है? साउंड को हाई करने के बजाय उसने एक तो अपने कानों को अपने हाथों को अपने कान के पीछे रखा पहली हियरिंग में, और सेकेंड हियरिंग में अपने हाथों को अपने कानों के पीछे नहीं रखा, जिससे क्या हुआ उसकी जो हियरिंग की जो कैपेसिटी थी वो उससे क्या हो गई, वरी हो गई. तो अब इन दोनों से क्या हमको पता चलता है कि जो हम कान के पीछे हम जब हाथ रखते हैं और कानों को हम सुनने के लिए क्या करते हैं, उनको जो हम जब उनके पीछे हाथ रखते हैं तब वो क्या होता है कि कानों की जो साउंड कलेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. इससे क्या होता है, द ईयर मस्ट ईयर शुड कलेक्ट मोर साउंड देन अर्लियर. इससे क्या होता है, जो ईयर्स होते हैं हमारे वो साउंड बहुत अच्छे से कलेक्ट कर पाते हैं और हमको पहले की तुलना में अब अच्छे से सुनाई देता है जब हम कानों के पीछे हाथ रखते हैं. तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी हियरिंग की. सिट नियर अ डेस्क. एक छोटी एक डेस्क के पास में बैठिए.
टैप द डेस्क वंस योर हैंड्स, अपने हाथ से उस डेस्क को क्या करना है, टैप करना है और उसको सुनना है. नो यू पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एंड शो ऑन द पिक्चर. अब पिक्चर में जैसे डेस्क पे बच्चे ने अपना कान रखा हो ऐसा कान रखना आपको और फिर उसको टैप करना है और फिर उसको सुनना है. अब दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, पहली बार आपने उसके ऊपर कान नहीं रखा टेबल के ऊपर और फिर सेकेंड बार में आपने उसके ऊपर कान रखा और दोनों से आपने आवाज़ सुनी, तो क्या हुआ. दिस इज़ हाउ स्नैक हेयर्स, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल हेयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. जो स्नैक्स होते हैं उनके कान नहीं होते, वो सिर्फ ग्राउंड्स पे जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको ही कलेक्ट करते हैं, उनको ही अपनी जो सेंसिटिव स्किन होती है उससे फील करते हैं, उनको पता चलता है कि आसपास क्या हो रहा है. साउंड सेंड मैसेजेस, अब जो साउंड होते हैं उससे मैसेज होते हैं, ये इसको हम पढ़ेंगे. हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लियोपार्ड्स. एक पेड़ के ऊपर जो लंगूर होते हैं वो दूसरे लंगूरों को वार्न करते हैं कि पास में ही कोई टाइगर या कोई लियोपार्ड है. द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. अब वो डिफरेंट टाइप्स के क्या निकालेंगे, साउंड्स निकालेंगे और वही साउंड्स जो दूसरे लंगूर रहेंगे उनके लिए क्या रहेगा, वार्निंग कॉल रहेगा. उनसे उनको पता चल जाएगा कि पास में ही कोई डेंजर है, मतलब या कोई उनको खतरा है. बट्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर. जब जो बर्ड्स होते हैं वो भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं. सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स. अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग जो डेंजर कॉल होती है वो होती हैं, ताकि वो अपने जो बी लविंग है उनको क्या कर सके, उनको सचेत कर सके कि डेंजर पास में ही है ना. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज फ्रॉम द ग्राउंड. अब जब आसमान से कोई एनिमी आ रहा है तो उसके लिए एक अलग से कॉल होगी और जब ग्राउंड से कोई आ रहा है तो उसके लिए अलग से वार्निंग कॉल होगी. तो ये दोनों में डिफरेंस है. फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. जो फिशेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से अलार्म देती है कि पास में ही कोई खतरा है. सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम. जब कोई भूकंप या मौसमी घटना या कुछ तूफान आने वाला होता है तब जो एनिमल्स होते हैं उनको पहले पता चल जाता है, क्योंकि उनके सेंसेस ह्यूमन सेंसेस से क्या होते हैं, मोर ज़्यादा वो होते हैं, इफेक्टिव होते हैं. वो किसी भी छोटे से छोटे वाइब्रेशन को भी कैच कर सकते हैं. पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर. अब जो लोग जंगलों में रहते हैं वो इन जानवरों के ऐसे बिहेवियर को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं. उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ आपदा आने वाली है, कुछ ना कुछ डेंजर है आसपास ही, तो इसीलिए उसको वो उसको वार्निंग कॉल का समझ जाते हैं. इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइसलैंड नोटिस द एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. दिसंबर 2004 में क्या हुआ कि जो आदिवासी समुदाय जो कि अंडमान द्वीप समूह पर रहते थे उन्होंने जानवरों के कुछ ऐसे ही बिहेवियर को क्या किया, नोटिस किया. द गेज्ड सम डेंजर, उनको उस खतरे का अनुमान हो गया. सो दे मूव अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइसलैंड. अब वो उस आइसलैंड के उस द्वीप समूह के किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए. सुन आफ्टर द आइलैंड वेयर हिट बाय द सुनामी बट दिस पीपल वेयर सेव्ड. क्या हुआ, जल्द ही वहाँ पर एक सुनामी आ गई जो हाईली जो सी वेव्स होती हैं जो कि जिनकी हाइट
बहुत ज़्यादा होती है, उनको सुनामी बोलते हैं। तो जल्दी से उसने स्ट्राइक किया उस आइलैंड को, लेकिन वो जो ट्राइब्स थे वो तो सेफ एरिया में मूव कर चुके थे, इसलिए वो वहाँ पर उनको कुछ नहीं हुआ और वो बच गए। तो ये कैसे पता चला उनको, जो एनिमल्स थे उनके डिफरेंट बिहेवियर को उन्होंने क्या कर लिया, पहचान लिया कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो इससे उनकी जान बच गई। डॉल्फिन आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। डॉल्फिन्स भी अपनी जो दूसरी डॉल्फिन्स होती है उनको साउंड या उनको भी मैसेज देने के लिए साउंड क्रिएट करती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। जो साइंटिस्ट होते हैं उनको उन्होंने पता किया कि सभी एनिमल्स में अपने दूसरे एनिमल्स को सचेत करने के लिए कुछ ना कुछ अलार्म कॉल या स्पेशल लैंग्वेज होती है। राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या आप किसी जानवर की जो साउंड होता है, जो कि एक तो ट्रबलिंग साउंड होता है और एक जो या हैप्पीनेस का जो साउंड होता है, उसको दोनों को अलग अलग क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसे जो डॉग्स होते हैं जब वे खुश होते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाते हैं और उनके जो मालिक होते हैं वो उनके आस पैरों के आसपास घूमते हैं और अपनी पूंछ हिलाते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो खुश हैं। तो ऐसे ही आप किसी जानवर का जो स्पेशल साइन है, उनका जो साउंड मैसेज है, क्या उनको आप समझ सकते हैं, तो आपको वो लिखना है पूरा। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वन? क्या कोई जानवर आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, तो कौन सा जानवर जो आपकी भी लैंग्वेज समझ सकते हैं? से इट विथ साउंड, जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेजेस। जैसे ही जैसे एनिमल्स और डॉल्फिन्स और बर्ड्स ने अपने दूसरे बर्ड्स और जो दूसरे एनिमल्स उनको वार्निंग देने के लिए क्या किया है, जो अलार्मिंग कॉल थी उसको क्रिएट किया है, तो ऐसे ही आप भी अपनी खुद की एक लैंग्वेज जो कि साउंड क्रिएट करके मैसेज देती हो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। याद रखिए आपको अपने दोस्तों से सिर्फ आवाज़ में ही बात करना है, न कि कोई वर्ड्स यूज़ करना है। स्पेशल टाइप का साउंड जो कि आप अपने फ्रेंड को पहले ही बता देंगे कि मैं इस तरह की आवाज़ निकालूंगा तो इसका मतलब ये होगा, तो ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल? और अब आपको बिहेव ऐसा करना है कि आपको कभी ऐसा जैसे आपको कुछ खतरा महसूस हो रहा है तो आप अलार्म कॉल कैसे देंगे? आप खुश हैं तो आप उसके लिए जो मैसेज है, जो साइन है, वो कैसे दिखाएंगे, वो सब पूरा अपने फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। फॉर सम एग्जांपल, व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम, जैसे क्लासरूम में कोई टीचर आ रहा है तो बाहर कोई आपके फ्रेंड्स घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो उनको सचेत जो जिससे क्या हो कि आपके फ्रेंड्स को पता चल जाए कि टीचर आ रहे हैं तो वो तुरंत क्लास के अंदर आ जाए। तो ये एक छोटा सा फनी एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं। स्लीपिंग एंड वॉकिंग वेकिंग, सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स। जो सर्टेन जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने किसी भी जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें क्या करते हैं, स्लीपिंग एज में चले जाते हैं, तो डीप स्लीप में चले जाते हैं, मतलब वो डीप स्लीप उनकी कई कई महीनों तक हो सकती है, कई सालों तक हो सकती है, जब तक कि उनके लिए जो कंडीशन हो फेवरेबल ना हो तब तक वो उस डीप स्लीप से बाहर नहीं आएंगे। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस? क्या आपने देखा है कि जो शीतकाल के दौरान आपके घर में कोई भी छिपकली नहीं दिखती आपको? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आपको क्या लगता है वो कहाँ चले जाते होंगे? तो इसका यही कारण है कि जो
हाउस लिजर्ड होती है वो डीप स्लीप में चली जाती है विंटर सीजन में, क्योंकि उनके पास उस सीज़न में सर्वाइव करने के लिए जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो उनके पास नहीं होती। तो अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए किसी भी बरों में, किसी भी ऐसे जगह में जाकर डीप स्लीप में चले जाते हैं, जिससे कि जो विंटर सीज़न है या कुछ जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो गुजर जाए, उसके बाद वो फिर से आकर अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग थिंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। स्लोथ, स्लोथ के बारे में पढ़ना है। स्लोथ ऊपर चला गया थोड़ा। इट लुक लाइक अ बियर बट इज नॉट, ये एक भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। इट इज़ अ स्लोथ, ये एक स्लोथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांचेस, ये अपने दिन के 24 घंटे में से 17 घंटे सिर्फ सोकर बिताता है, और वो भी कहाँ, पेड़ों की शाखाओं पर। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ सेम ट्री ऑन विच ही लिव्स, वो उसी पेड़ों की पत्तियाँ खाता है जिस पर वो रहता है। इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव फॉर द ट्री, इट मूव टू द नियर बाय ट्री, अब जब वो उस पेड़ की सारी पत्तियाँ खा लेता है तब उस पर कोई भी पत्तियाँ नहीं बचती, तो फिर वो पास वाले ट्री में शिफ्ट हो जाता है। स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 years एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 trees, जो स्लोथ होते हैं उनका जो क्या लाइफ स्पान कितना होता है, 40 years का होता है, और इस 40 years में वो सिर्फ जो 8 trees होते हैं उन्हीं पर क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। वंस अ वीक इट कम डाउन फॉर फ्रॉम द ट्री टू रिलीफ इट सेल्फ, वो सिर्फ वीक में सिर्फ एक ही बार नीचे आते हैं, वो भी अपने आप को रिलीव करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, और फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये भी डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स हैं नेचर में, सबकी अलग अलग क्या है, स्पेशल क्वालिटीज़ होती है ना। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या है, काऊ, पाइथन, जिराफ और कैट, इन सब का क्या लिखना है, लाइफ स्पान लिखना है ना, लाइफ स्पान, और क्या होता है लाइफ स्पान की एक्टिविटी बाद में है, अभी इसमें स्लीपिंग लिखना है ना, स्लीपिंग टाइम, कौन सा एनिमल कितने टाइम कितने आवर सोता है। तो ये आपको जनरली, जैसे ये क्लॉक थी उसका उसका पार्ट कर दिया और उसको हिसाब से पूरा डिवाइड कर दिया कि कौन सा एनिमल कितने टाइम सोता है। तो ये आपको एक्टिविटी खुद करना है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये क्या दिख रहा है आपको, ये अ टाइगर है, कैन सी 6 times बेटर देन एट नाइट, बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, जो टाइगर होता है वो रात को बहुत अच्छे से देख लेता है, हमसे वो भी 6 times ज़्यादा अच्छे से देख सकता है। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर, जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं जो उसके कान के जो होते हैं वो जो मूव करता रहता है बार बार, वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि जो वाइब्रेशन और जो मूवमेंट होती है एयर में वो भी उसको कैच कर लेता है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, ये जो विस्कर्स होते हैं ये इसको टाइगर को हेल्प करते हैं अपने हंटिंग करने में, और डार्क में हंटिंग करने में ना, अंधेरे में उसको शिकार करने में हेल्पफुल रहते हैं। टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प
that it can make out the difference between the rustling of leaves and sound of an animal moving on the grass. उसकी जो सुनने की क्षमता होती है टाइगर की वो बहुत तेज होती है. वो पत्तियों की सरसराहट को भी सुन सकता है और किसी जानवर के घास पर चलने की आवाज़ भी सुन सकता है. द ईयर्स ऑफ टाइगर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम द ऑल अराउंड. जो टाइगर के जो कान होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं और डिफरेंट टाइप्स का जो साउंड होता है उसको कलेक्ट करके वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आसपास क्या चल रहा है. टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइगर्स. इट कैन आल्सो रोर और स्नार्ल. इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे. उसकी जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और जब वो किसी टाइग्रेस को जब उसको बुलाना होता है तब उसके जो साउंड होता है वो अलग होता है और जब उसको हंटिंग करना होता है तब उसका साउंड अलग होता है. इच टाइगर हैज़ इट्स ऑन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स. सभी टाइगर का अपना अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है कि इस टाइगर इस एरिया में सिर्फ यही टाइगर रहेगा. वो सिर्फ अपना अपना क्या करते इसे वो दिखाते हैं कि हु इज़ मोर पावरफुल. ऐसा करके जो भी टाइगर आसपास रहते हैं वो सब दिखाते हैं कि कौन कितना पावरफुल है. टाइगर मेक्स दे एरिया विद देयर यूरिन. जो टाइगर अपना जो मार्क करते हैं उस अपने एरिया में उसको किससे मार्क करते हैं यूरिन से. अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन. अब उस यूरिन की स्मेल से दूसरे टाइगर पहचान जाते हैं कि ये एरिया किसी टाइगर का है या नहीं है. अगर नया एरिया होगा तो वो टाइगर जो नया आया है वहाँ पर वो वहाँ पर यूरिन करके उस एरिया को अपना बना लेगा या फिर किसी और का जब वो एरिया होगा तो वहाँ से चुपचाप खिसक जाएगा. अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर्स एरिया. वही क्लेशेस से बचने के लिए क्योंकि इससे क्या होगा कि दोनों टाइगरों में क्या होगी लड़ाई होगी तो इससे बचने के लिए टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में जाना ही छोड़ देता है. जो टाइगर होता है वो सबसे चौकन्ना जानवर होता है. लेकिन आजकल क्या है टाइगर क्या है खतरे में है क्योंकि लोग जो किंग्स होते थे पहले उन्होंने अपने शौकिया तौर के लिए शौक के लिए कई सारे टाइगर को मारा है. What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? जो टाइगर्स होते हैं उनको जंगल में क्या क्या थ्रेट्स होते हैं क्या क्या उनको डेंजर होते हैं आपको क्या लगता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है. Can human being also be a threat to animals? क्या मनुष्य भी किसी जानवर के लिए क्या होता है भय का कारण होता है या फिर डर का कारण होता है वो भी लिखना है आपको और कैसे होता है तो ये आपको जनरली डिस्कस करना है. वो मैंने बताया अभी जो किंग्स होते थे पहले वो हंटिंग करते थे टाइगर्स की तो उसी से वो सिर्फ टाइगर की हंटिंग नहीं करते थे जितने भी जानवर होते थे सभी की हंटिंग करते थे. तो ह्यूमन बींग अपने आप में जो एनिमल्स हैं उनके लिए क्या है थ्रेट्स है. चलिए बच्चों इसको जल्दी से रेप अप करते हैं. अब डू यू नो दैट टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड. कई सारे जानवरों को आज मारा जाता है और उनके शरीर के अंगों को अलग अलग दामों में विदेशी बाज़ारों में या फिर यहीं पर बेचा जाता है उनको भारत में ही. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स. जो हाथी होते हैं उनको किस लिए मारा जाता है हाथी दांत के लिए. राइनोसिरोस होते हैं जो गेंडे होते हैं उनको उनके सींग के लिए मारा जाता है क्योंकि उनसे तरह तरह की दवाइयाँ बनती है. टाइगर क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स. टाइगर और क्रोकोडाइल और स्नेक्स को उनकी स्किन्स के लिए मारा जाता है क्योंकि उनकी स्किन्स उनकी जो स्किन्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल होती है. मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क. जो कस्तूरी मृग होता है
कस्तूरी हिरण, उसको इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी कस्तूरी से क्या बनते हैं, सुगंधित जो फ्रेग्रेंस वाला जो डीओ होता है, जो भी सेवरल होते हैं वो उनकी जो मस्क होती उससे बनता है, इसलिए उनको सिर्फ एक जो डीओ बनाने के लिए उनको मार दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर और पोचर्स, वही जो इन जानवर को मारता है उनको क्या बोला जाता है, शिकारी कहा जाता है। द नंबर ऑफ टाइगर एंड मैनी अदर एनिमल इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग, जो टाइगर और दो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हैं उनका उनकी संख्या क्या हो रही है, दिन ब दिन घट रही है। देर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपीयर, और यह खतरा है कि वो जल्दी से सभी जानवर क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे अगर ऐसे ही उनका शिकार होता रहा तो। टू प्रोटेक्ट द एनिमल और गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, उनको शिकार से बचाने के लिए हमारी सरकार ने डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाए, जोन्स बनाए हैं ना फॉरेस्ट में, क्या फॉरेस्ट को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, जोन्स में डिवाइड कर दिया उसको, कि इतने एरिया में जो ह्यूमन एक्टिविटी वो अलाउ होगी, इतने एरिया में प्रोहिबिटेड होगी, तो ऐसे करके पूरा जो फॉरेस्ट वो जोन्स में डिवाइड कर दिया। सम ऑफ देम आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, उसमें से कुछ है जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में, और घाना भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। इन दिस एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल, ये इतने रिस्ट्रिक्टेड हैं कि इसमें ह्यूमन बींग को एंटर ही अलाउ नहीं है, मतलब यहाँ पर जा भी नहीं सकते अंदर, इतना इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया, कि भारत में कहाँ कहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, उनके सभी के नाम लिखना है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट ए रिपोर्ट, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और उनके पूरे लिस्ट तैयार करनी है। तो इस चैप्टर में हमने बच्चों ये अपना चैप्टर क्या हुआ यहाँ पर रैप अप हो गया, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर्स व्हेन दे सिंग, क्या आपने देखा है कभी कि जो सिंगर्स होते हैं वो गाते समय अपने कानों पर हाथ रखते हैं, व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस, वो क्यों अपने कानों पर हाथ रखते हैं गाते समय, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और अगर आपको अगर पता नहीं चलता है कि वैसा क्यों रखते हैं तो इसको लेटर में क्लेरिफाई करूँगा। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट हियरिंग एंड स्मेल, उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनकी सूंघने की क्षमता, देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब ये छोटा सा एक एक्टिविटी है, आपको पेपर्स की मदद से एक छोटा सा डॉग बनाना है ना, तो ये आपको मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, उसी की हेल्प से आपको ये डॉग बनाना है। तो बच्चों ये पूरा रैप अप था अपने इस चैप्टर का, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टीज हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।